कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर दो मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं, और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है, ये इलेक्शन कैसे जीतता है, ये बाकी पार्टियों को खत्म कैसे कर देता है। समझ नहीं आती है बात, मगर इलेक्शन के बाद धड़ाक से कांग्रेस पार्टी जीत गई। वर्कर खड़ा हो गया, नेता खड़े हो गए। शीला जी मुझे कह रही थी कि भैया पता नहीं क्या होता है, इलेक्शन के पहले सब खड़े हो जाते हैं और धड़ाके से लड़ जाते हैं। ये गांधी जी का संगठन है, इसमें हिंदुस्तान का डीएनए भरा हुआ है। बाकी संगठन और जो हमारे विपक्ष के हैं, जो हमारे विपक्ष के हैं, वो समझते ही नहीं है इस बात को। वो देखते हैं, वो कहते हैं भैया ये हो क्या रहा है, ये क्या कह रहे हैं लोग। कोई कहता है भैया मैं किसी एक जात की पार्टी हूं, कोई कहता है मैं किसी एक धर्म की पार्टी हूं, और कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। हम ना जात पहचानते हैं ना धर्म पहचानते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तान की डीएनए पहचानते हैं, सबके सब हैं इसमें। तो नियम और कानून की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हम लीडरशिप डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करते। आज से पांच छह साल बाद ऐसी बात होनी चाहिए कि अगर किसी स्टेट में हमें चीफ मिनिस्टर की जरूरत हो, तो जैसे पहले फोटो हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, 40 फोटो होती थी, नेहरू जी, पटेल, आजाद, जायंट्स हुआ करते थे, उनमें से कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। ये बात हमने करनी है। हमें 40-50 नेता तैयार करने हैं जो देश को चला सके, सिर्फ प्रदेश को नहीं देश को चला सके। 40-50 नेता ऐसे तैयार करने हैं हर प्रदेश में। हमारे पास 5-6-7-10 ऐसे नेता हों जो चीफ मिनिस्टर बन सके, और हर डिस्ट्रिक्ट में यह बात हो, हर ब्लॉक में यह बात हो। और अगर कोई हमसे पूछे भैया कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के भविष्य के लिए नेता तैयार करती है। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर नेता, ऐसे नेता जो गहराई से हिंदुस्तान को समझते हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, वैसे नेता तैयार करती है। ऐसे नेता तैयार करती है जिनको हिंदुस्तान के सब लोग देखकर कहते हैं भैया हम इनके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। तो लीडरशिप डेवलपमेंट की जरूरत है, और इसके लिए ढांचे की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्योंकि यहां पे जो नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि कोई चाहता नहीं है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिस्टम नहीं है। और सिस्टम बनाया जा सकता है, और इस सिस्टम को आप लोग बनाओगे और आप लोग चलाओगे। हम टिकट की बात करते हैं। जमीन पे हमारा कार्यकर्ता काम करता है। यहां हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक कमेटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, उनसे पूछा नहीं जाता। है यहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट? है। टिकट के समय उनसे नहीं पूछा जाता, संगठन से नहीं पूछा जाता, ऊपर से डिसीजन लिया जाता है भैया इसको टिकट मिलना चाहिए। होता क्या है,
दूसरे दल के लोग आ जाते हैं, चुनाव के पहले आ जाते हैं, आ जाते हैं, नहीं सुनो सुनो, आ जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं और फिर चले जाते हैं। और हमारा कार्यकर्ता कहता है भैया, वो ऊपर देखता है, चुनाव से पहले वो ऊपर देखता है, ऊपर से पैराशूट गिरता है, धड़ाक, नेता आता है, दूसरी पार्टी से आता है, चुनाव लड़ता है, फिर हवाई जहाज में उड़ के चला जाता है। यह बदलना है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत होनी चाहिए, और सिर्फ कार्यकर्ता की इज्जत नहीं, और सिर्फ कार्यकर्ता की इज्जत नहीं, नेताओं की इज्जत। नेताओं की इज्जत का मतलब क्या है? कि अगर नेता ने अच्छा काम किया है, अगर नेता जनता के लिए काम कर रहा है, चाहे वो जूनियर नेता हो या सीनियर नेता हो, जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़ा हो, अगर वो काम कर रहा है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको कहना चाहिए, भैया आप काम नहीं कर रहे हो। और अगर 2-3 बार कहने के बाद काम नहीं किया तो फिर दूसरे को चांस देना चाहिए। और अंत में जो हमारे ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चुनाव के समय इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, जो इंडिपेंडेंस को खड़ा कर देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। आप सब ये चीजें जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं, कमी इंप्लीमेंटेशन में है। और हम इंप्लीमेंटेशन अगर मिलके करेंगे, यहां पे ज्ञान है, जानकारी है, हम ये काम कर सकते हैं। और जिस दिन हमने ये काम कर दिया, हमारे सामने कोई नहीं खड़ा रह पाएगा। जिस दिन जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी के अंदर गूंजने लगी, आज गूंजती है, बाकियों से ज्यादा गूंजती है, मगर जिस दिन गहराई से गूंजने लगे, जिस दिन पंचायत वार्ड के लोग यहां आज के बैठ जाएं, उस दिन हमें कोई नहीं हरा पाएगा। और होगा क्या कि जो आज हमारे अंदर कभी कभी गुस्सा आता है, दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, वो कम हो जाएगा, मुस्कुराहटें आ जाएंगी, लोग कहेंगे भैया मजा आ रहा है, अब जाते हैं विपक्षी पार्टियों को हराते हैं, मजे से लड़ेंगे, मजे से जीतेंगे। मैं पिछले 8 साल से ये काम कर रहा हूं और मैंने आपसे कहा कि आपने मुझे सिखाया है। सीनियर नेता बैठे हैं, कल मैंने ओला जी का भाषण सुना, कितनी गहरी बात बोली उन्होंने, और युवा भी बैठे थे और उन्होंने भी गहरी बात बोली, चिदंबरम जी थे, एंटनी जी थे, उन्होंने गहरी बात बोली। यहां पे कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, गहराई की कोई कमी नहीं है। और जिस प्रकार ये पार्टी सोचती है, जितनी डेप्थ इस पार्टी में है कहीं और नहीं है, पार्लियामेंट में दिखता है, सब जगह दिखता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ जानता है, मगर अगर आपसे पूछा, कांग्रेस पार्टी में करोड़ों लोग हैं, कहीं ना कहीं जानकारी जरूर है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं उस जानकारी को ढूंढूंगा, सीनियर नेताओं से पूछूंगा, शीला जी बैठी हैं, गहलोत जी बैठे हैं, अलवी जी बैठे हैं, बहुत सारे, सबके नाम नहीं ले सकता हूं, मगर मैं आप सबसे पूछूंगा और आपसे सीखूंगा, क्योंकि इस पार्टी का इतिहास आपके अंदर है, इस पार्टी की सोच आपके अंदर है,
और मैं सिर्फ आपकी आवाज को आगे बढ़ाऊंगा, जो सुनाई देगा वो मैं आगे बढ़ाऊंगा। और फेयरनेस की बात होती है, कल मैंने मीटिंग में कहा कि कचहरी में दो लोग होते हैं, लॉयर होता है, जज होता है। मैं जज का काम करूंगा, लॉयर का काम नहीं करूंगा।